कांग्रेस कार्य समिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में सोमवार को समय अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई, जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर भाजपा के साथ मिली भगत करने का आरोप लगाया। पार्टी के 23 नेताओं के पत्र पर सवाल उठाते हुए राहुल ने कहा कि चिट्ठी की टाइमिंग सही नहीं है। राहुल का ये रुख पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद एवं कपिल सिब्बल को नागवारा गुजरा। कांग्रेस नेता आजाद ने कहा कि भाजपा के साथ उनकी मिलीभगत यदि साबित हुई तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। तो वहीं कपिल सिब्बल ने अपने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने बीते 30 सालों में कभी भी भाजपा का समर्थन नहीं किया है, फिर भी भाजपा के साथ मिलीभगत की बात कही जा रही है। हालांकि कुछ देर बाद सिब्बल ने अपना ये ट्वीट डिलीट कर दिया। कपिल सिब्बल ने बताया कि राहुल गांधी ने उन्हें फोन करके बताया है कि उन्होंने बैठक में इस तरह की कोई भी बात नहीं की है। CWC बैठक की प्रमुख बातों की अगर बात की जाए तो सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष पद से हटने की पेशकश की और नए अध्यक्ष के लिए चयन प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। इस पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एवं पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी ने उनके इस पद पर बने रहने का अनुरोध किया है, लेकिन सोनिया अपने रुख पर अड़ी है। CWC बैठक पर भाजपा नेता एवं मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कई योग्य उम्मीदवार हैं, जैसे कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रेहान वाड्रा एवं मिराया वाड्रा। कांग्रेस सदस्यों को ये समझना चाहिए कि कांग्रेस उस स्कूल की तरफ है जहां हेडमास्टर के बच्चे ही केवल टॉप करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज प्लस। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।